मोगा जिले के गांव खोसा कोटला में बीते दिनों हुई फायरिंग में सरपंच बीरपाल सिंह और उनके साथी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मोगा पुलिस ने 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है। घटना आपसी रंजिश के चलते बताई जा रही है। इस घटना में दूसरे पक्ष को भी के दो लोगों को भी गोली लगी, घायल हुए हैं। वहीं इस घटना पर मोगा SSP जे एलेंच लियन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी इस घटना में 10 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में 5 लोग पुलिस की हिरासत में है, 2 आरोपी हॉस्पिटल में भर्ती है। दो ग्रुप दे आपस से जड़ा लड़ाई हुई है। उस लड़ाई के दौरान 2 व्यक्ति को मौत हुई है। उसके संबंधित में पुलिस ने FIR नंबर 148 अंडर सेक्शन 302 बाकी सेक्शंस धारावान लगा के केस रजिस्टर कर देता कल। और इस केस नो दोषियों फड़ने वास्ते SPD DSP धरमकोट SP हेडक्वार्टर और काफ़ी SKHO CA का टीम असी गठन करके वर्कआउट करता। इस केस दे विच हुण तक असी जड़े मेन दोषी है गुरचरण सिंह अलिया सुखदेव सिंह उन्होंने नाल टोटल और 4 कुल मिला के 5 ही दोषी नू गिरफ्तार असी कर ली हैं।